पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 2 साल बाद आएंगे जेल से बाहर। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है, केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल चुकी है। वो पिछले 2 साल से जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में मई 2022 में गिरफ्तार किया था। कांग्रेस सांसद का दावा, खत्म हो जाएगा संविधान कुछ सालों में, भारत में होगी रूस चीन जैसी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संविधान बचाओ सम्मेलन में बोलते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आज ये जरूरत महसूस हो रही है, संविधान को बचाना हमारे लिए काफी जरूरी हो गया है। जी हाँ, अगर संविधान नहीं बचा तो फिर अगले 20 साल में संविधान खत्म हो जाएगा और देश में रूस और चीन जैसी तानाशाही सरकार बन जाएगी। शरद पवार ने उद्धव को उपयोग कर छोड़ा बीजेपी नेता का बड़ा आरोप। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल किया और उन्हें छोड़ दिया। बावनकुले ने यह भी कहा कि पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बावनकुले ने कहा कि महायुति में 90% सीट पर फैसला हो चुका है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवम्बर को होंगे और नतीजे 23 नवम्बर को घोषित किए जाएंगे। वायनाड उपचुनाव, प्रियंका गांधी को चुनौती देंगे लेफ्ट बीजेपी उम्मीदवार। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी को सीपीआई के सत्यन मोगरी और बीजेपी के उम्मीदवार चुनौती देंगे। सीपीआई ने मोगेरी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिन्हें केरल की लिफ्ट सियासत में मजबूत नेता माना जाता है। वहीं बीजेपी अभी तक उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर पाई है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की बढ़ाई गई है सुरक्षा और AK-47 लेकर हुए जवान तैनात। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी मिलने के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को शुक्रवार को सलमान खान के नाम पर धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। जानकारी के अनुसार सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लगभग 30 पुलिसकर्मी हाईटेक हथियारों के साथ तैनात है। साथ ही उसकी तलाशी की जा रही है, जिसने धमकी भरा मैसेज किया है। दिवाली से पहले करोड़ों कर्मचारियों को झटका, 18 माह का एरियर अटकने की वजह आखिर क्या है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहारों पर डीए बोनस तो मिला है, लेकिन 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री ने डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की जानकारी दे की है, लेकिन एरियर पर कुछ नहीं कहा है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कोरोना काल से रुका एरियर दिवाली से पहले मिलेगा, लेकिन सरकार ने मौजूदा आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए फिलहाल इसे संभव नहीं बताया है। मंगल पर है मानव जैसे एलियन, नासा रोवर ने की तस्वीरें शेयर, जिससे मचा हंगामा। नासा के परसिवियंस रोवर ने मंगलवार ग्रह पर एक चट्टान की तस्वीर ली, जो कि एक कोण से देखने पर इंसान के चेहरे जैसी दिखती है। जी हां, चट्टान का क्षतिग्रस्त आकार, कैमरे की ओर झुकाव इसे एक लेटे हुए सिर जैसा दिखाता है। इस तरह की घटना को पेरिडोलिया कहा जाता है। जब हमारी आंखें कुछ देखती है तो मस्तिष्क से संशोधित करने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेता है। ऋषिकेश एम्स में कैंसर रोगियों की मदद करेंगे सोनू निगम, जानिए क्यों लिया ये फैसला। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कैंसर रोगियों की मदद करने की इच्छा जताई है। अपनी मां के नाम पर बनी संस्था के माध्यम से वो कैंसर रोगियों की मदद करेंगे। कुछ दिन पहले एम्स के पायरेक्सिया समारोह में शिरकत करने पहुंचे ऋषिकेश। सोनू निगम ने एम्स निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह से भेंट की और एम्स प्रशासन ने सोनू निगम के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर को होंगे रूस दौरे पर, ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर 2024 को रूस की यात्रा करेंगे। ये यात्रा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर होगी। पीएम मोदी कजान में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये शिखर सम्मेलन न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर केंद्रित होगा। कंगना रनौत की इमरजेंसी को सीबीएफसी से मंजूरी, जानिए रिलीज डेट। जी हां, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से रिलीज सर्टिफिकेट मिल चुका है। फिल्म को लेकर सिख समूह ने आपत्ति जताई थी, हालांकि अब सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को मंजूरी दे दी है। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है और फिल्म में कुछ सीन को कट करने के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज का सर्टिफिकेट दे दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।